उत्तर प्रदेश के गोंडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ये बताई जा रही है जो ट्रेन हुई है और ट्रेन के 10 से 15 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतरे हैं। यूपी के गोंडा में यह ट्रेन हादसा हुआ, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है, 15 बोगियां जो पटरी से उतरी हैं और 3 इसमें पलट भी गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, हालांकि अब यह जांच का विषय बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन सिंह इस वक्त हमारे साथ गोंडा से सीधा फोन लाइन पर बने हुए हैं। विपिन, ये यूपी में ट्रेन हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी सचिन, आपको बता दें कि ये चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस है जो कि गोरखपुर जा रही थी और ये मोतीगंज खिलाई के पास में इसके 3 डब्बे पलट गए, लेकिन किसी जनहानि की खबर नहीं है। करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, राहत कार्य बचाव जारी है, रेलवे प्रशासन मौके पर है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी वहां पर मौके पर पहुंच चुका है, एसपी और डीएम भी पहुंच रहे हैं। मिलाकर ये मान के चले कि वहां पे जिला प्रशासन लग चुका है, जो घायल है उनको घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं वहां पे शुरू देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं हुई, घटना बड़ी थी, लेकिन अब यूं कह लीजिए कि घटना बड़ी होने के बाद भी ये घटना चल गई क्योंकि किसी का जान माल का खतरा नहीं बताया जा रहा है। जी विपिन, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, खबरें ये भी हैं कि 15 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी हैं और 3 पलटी हैं, फिलहाल एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्या किस तरीके से ये हादसा हुआ, थोड़ा आप विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, बताया सचिन आपको कि जिस तरह से ये चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस है जो कि इसकी करीब 3 बोगियां पलट गई है और करीब कुछ बोगियां जो कि पटरी से उतर भी है लेकिन वो पलटी नहीं है, लेकिन जो 3 बोगियां पलटी है उसमें करीब दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये क्यों पलट गई है, क्या रेलवे विभाग की तरफ से कमियां थी, ये तो अभी जांच का विषय है। जांच होने के बाद में भी पता लगेगा कि इसमें क्या कमियां आई, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा, चूंकि हादसा बड़ा था और बड़ा हादसा होने के बाद भी खतरा चल गया क्योंकि किसी के जान माल का खतरा नहीं बताया जा रहा। जिला प्रशासन मौके पर है, डीएमएससी भी पहुंच रहे, लेकिन अब फिर वही घूम फिर के बात आते कि कैसे इस तरह से, जो कि रेलवे विभाग अक्सर ये कहता रहता है कि हमारी सारी व्यवस्था सुदृढ़ है, लेकिन इस तरह से अचानक 3 डब्बे पलट जाते हैं और ये बड़ी घटना होते होते बच गई है। अब फिर घूम फिर के बातें वही आती है कि जांच होगी, अब देखने वाली बात यह है कि जांच में क्या निकल जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी सचिन बिल्कुल। विपिन, लेकिन जहाँ पर यह हादसा हुआ ये कौन सी जगह है, जहाँ पर यह हादसा हुआ एक्चुअल जगह कौन सी है, क्या इस वजह से जहाँ पर यह हादसा हुआ और ट्रेनों को भी डाइवर्ट करना पड़ा है और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, उनकी एक्चुअल संख्या अभी निकलकर सामने आई है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? जी सचिन, आपको बता दें क्योंकि अभी जिला प्रशासन ने या रेलवे विभाग ने ये नहीं बताया कि कितने लोग घायल हो गए, लेकिन अनुमान में आपको बता देंगे कि कम से कम दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। और रही बात ये, ढिलाई के पास की घटना है, मनिकापुर से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले, मनिकापुर जो कि एक कस्बा है वहाँ पे, वहाँ से करीब ढिलाई 3-4 किलोमीटर पहले गोंडा और मोतीगंज और ढिलाई के पास में हादसा हुआ है, गोरखपुर की ट्रेन थी। और रही बात ये कि वहाँ पे कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी प्रशासन ने कुछ जारी नहीं किया। जी बिल्कुल विपिन, लेकिन ये हादसा हुआ, कई लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई लोग घायल हुए हैं, उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है, पहली प्रायोरिटी यही है कि उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा जारी किया गया ताकि लोग कॉन्टैक्ट कर सकें, जिनके परिवार के ये लोग हैं वो पहुंच सके? जी बिल्कुल सचिन, बताया गया है, डीएम नेहा शर्मा ने तत्काल वहां पे मौके पर काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा गया है और उनसे संपर्क करने के लिए, जो कहीं के किसी अन्य जिले के थे उनके परिवार से संपर्क करने के लिए नंबर भी दिया गया है और पूरी तरह से वहां पे ये कह लीजिए कि जिला प्रशासन पूरी तरह से हावी है और राहत कार्य बचाव तेजी से चल रहा है। और वही बात ये कि किसी की जनहानि की अभी तक खबर नहीं आई है, सबसे बड़ी बात ये है। और रही बात घायलों को, उनको उपचार कराया जा रहा है। अब घटना कैसे हुई, रेलवे समस्या थी या किसी और की, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये तो जांच का विषय। जी सचिन बिल्कुल विपिन, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि 2:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है, कहां से ये ट्रेन चली थी, कितने बजे चली थी और जब यहां पर पहुंची तो उस वक्त टाइम क्या था, जब ये जिस तरह से 10 से 15 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतरे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, अधिकारियों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, कितने बजे एक्चुअली हादसा हुआ? जी आपको बताना चाहेंगे, ये करीब वही 2:30 से 3 बजे के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है। अच्छा। और रही बात ये है कि करीब 3 डब्बे तो पलट गए हैं और करीब करीब 6-7 डिब्बे पट्टी से उतरे वो पलटे नहीं है। रही बात वहाँ पे प्रशासन मौजूद है, अभी प्रशासन ने ऐसी कोई जारी एडवाइजरी जारी नहीं की कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कंडीशन है, ये अभी प्रशासन ने हमने बात ही करनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें कोई साफ साफ उनका वो नहीं आया, लेकिन ये मानते हैं कि अभी आधे घंटे में कोई ना कोई आ जाएगा तो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे।
बिल्कुल विपिन, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी कोई ज्यादा जानकारी आपके पास भी नहीं है, अभी सिर्फ उनको रेस्क्यू करने का काम वहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो लोग इसमें घायल हुए हैं क्या ये पता चल पाया है कि कहां के ये रहने वाले थे, कहां कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे जो लोग इसमें घायल हुए हैं? जी सचिन, आपको बताना चाहेंगे ज्यादातर लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं ये बताया जा रहा है, और रही बार वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ पे रेलवे विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन सारा अमला वहीं पे मौजूद है, सभी को सही सलामत हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, इनके परिजनों से बात की जा रही है, कुल मिलाकर यूँ कह लीजिए कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अब ये प्रशासन अभी आधे घंटे में जारी करेगा कि कितने लोग घायल हुए हैं या कोई ऐसी भी घटना हुई है, ये कुल मिलाकर अभी कुछ नहीं बयां कर रहा है, तो उससे हम अभी कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी कुछ देर में आपको पूरी खबर फिर दोबारा बताएंगे। जी बिल्कुल विपिन, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ा हादसा ये हुआ, बड़े स्तर पर हादसा हुआ है, रेस्क्यू वहां पर चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू की जो टीम पहुंची है, मौसम कैसा है, बारिश क्या वहां पर हो रही है कि रेस्क्यू करने में कोई दिक्कत आ रही है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिलहाल अभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, उनको अस्पताल में भिजवाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कुछ खबरें ये भी सामने आ रही कि बड़ी कैजुअलिटी भी हुई है, कोई ऐसी जानकारी आपके पास? जी कैजुअलिटी की तो बात नहीं करेंगे, जब तक जिला प्रशासन कुछ कैजुअलिटी के बारे में बात नहीं करता तो मैं अपने तरफ से तो नहीं ऐड कर सकता, लेकिन रही बात यह है कि मौसम सही है, रेस्क्यू टीम पूरी लगी हुई है, बारिश नहीं हो रही, धूप की हुई है, और रही बात है स्वास्थ्य प्रशासन लगा हुआ है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, तो रेस्क्यू पूरी तरह चल रहा है, और सबको स्वास्थ्य व्यवस्था भी कराई जा रही है, एम्बुलेंस भी लगी है, सबको अपने अपने जगह में भेजा जा रहा है, लेकिन अब घटना हुई है, बड़ी घटना है, इसकी भी जांच की जा रही है, रेलवे प्रशासन पूरी तरह से गोरखपुर से लेकर गोंडा तक जितना रेलवे प्रशासन है सब उसी में जुटा हुआ है। ठीक है विपिन, आप जानकारी कलेक्ट कीजिए और जैसे ही कोई अपडेट आपके पास आती है तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बड़ी घटना घटी है यूपी के गोंडा में, और ट्रेन के 10 से 15 डिब्बे ये बताया जा रहा है जो पटरी से उतरे हैं, और हालांकि इसमें कई लोग घायल हुए हैं, तुरंत अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है, और ये जो हादसा हुआ खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तुरंत जो लोग इसमें घायल हुए हैं पहली प्रायोरिटी यही है कि उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए, उनको बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन यह घटना कैसे घटी है फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोग आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं हैं, सामान बिखरा हुआ है, हालांकि अभी फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है कि कोई जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है, लोग घायल जरूर हुए हैं, लोगों को चोटें जरूर आई हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 15 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी हैं और तीन डब्बे जो हैं वो पलटे हैं, जिस वजह से लोगों को चोटें आई हैं, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या 20 से 25 के आसपास बताई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, और ये हादसा अपने आप में बहुत बहुत बड़ा हादसा है, हालांकि अभी जांच का विषय बना हुआ है, आगे कितना बड़ा नुकसान इसमें हुआ है, लोगों को कितनी चोटें आई हैं, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन फिलहाल जो अभी खबरें आ रही हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है, उसमें 20 से 25 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि किसी की जान इसमें अभी नहीं गई है, जो अब तक की खबरें सामने आ रही है, लेकिन हादसा यह बहुत बड़ा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों का सामान बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में चीख पुकार वहां पर मच गई, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जो डब्बे पलट गए हैं उन बोगियों से, उन डब्बों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, जहां से जो जगह मिल रही है वहां से लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है।